यूनिवर्स है, एक तरफ से आपकी तरफ भी हमेशा सपोर्ट मिली, तभी हम कर पाए। अभी इस बात की कभी भी कंप्लेंट हमारे दिल में नहीं रहा कि सपोर्ट नहीं मिलता। अभी काम शुरू हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है अभी, बहुत अभी वक्त आगे बहुत चल रहा है। प्रथम चरण अभी, यात्रा बहुत लंबी है। कवि जी को अंदर मिल गया, समिति को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने ये ऐतिहासिक काम यहाँ पे कर दिया। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी, आईडी लगा दीजिए आप लोग, जो थोड़ा सा मीडिया के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी अपने को सबका मुख्य सेवक सदन में आप सभी का स्वागत है, सबका अभिनंदन है। मेरे साथ हमारी अभी जिन्होंने कार्यभार संभाला है, नई मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, और सभी उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार, जब हमने पहली बार विधानसभा का उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो वो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद, और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति, और श्री मनु गौड़ जी समाज सेवी, इन 5ों लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर गए हैं। और ये कमेटी फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने 2 और उप समितियाँ बनाई, 2 उप समितियाँ बनाई गई जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए। और पहली जो बैठक हुई, हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको पहले उत्तराखंड का क्या देश का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी, माणा गांव। और माणा गांव से हमारे जो जनजाति समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ, और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जनसंवाद